नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल सब सीखो जी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर डेस्कटॉप के बारे में, कंप्यूटर डेस्कटॉप की सेटिंग करना और जो डेस्कटॉप पे आइकॉन दिखते हैं इन सभी आइकॉन का क्या यूज है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे जो ये स्क्रीन आपको दिख रहा है, इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप या स्क्रीन कहते हैं और इस पे जो ये इमेज लगा हुआ है इसको वॉलपेपर बोलते हैं। ठीक है, वॉलपेपर भी कह सकते हैं, इमेज भी कह सकते हैं। ये तो बहुत ही मतलब कि ये क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, कि जो कंप्यूटर डेस्कटॉप पे जो इमेज से होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो वो वॉलपेपर बोलते हैं या फिर वो वॉलपेपर के नाम से जाने जाते हैं। ये ऑप्शन सही है गलत है, ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीन या डेस्कटॉप कहते हैं और इस पर सेव किए गए को हम वॉलपेपर या इमेज कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी पट्टी है इसको टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, इसको टास्क बार बोलते हैं, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है। ठीक है, और ये आपकी जो है ये स्टार्ट बटन है, ये तो आपका ये क्रोम ब्राउजर है, ये वेलसी प्लेयर है और ये आपका क्या है कि यूजर फाइल है, यही यूजर फाइल है जो कि यहाँ पर है, वही यूजर फाइल है। आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे रख सकते हैं, इस पट्टी पे रख सकते हैं, कैसे रखेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों कि अगर वीडियो लंबा होगा तो मैं ये वीडियो दो पार्ट में बनाऊँ, क्योंकि वीडियो लंबा क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं राइट क्लिक कर दूंगा, राइट क्लिक करने के बाद देखेंगे बहुत सारे प्रोसेस इसमें मिल रहे हैं, बहुत सारे नेम भी मिल रहे हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है राइट क्लिक करके जो एक नया विंडो को लिए नया प्रोसेस आ रहा है, इस प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो लोग देखते नहीं, इग्नोर कर देते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, मुश्किल से 10 या 15 मिनट का ये वीडियो होगा। ठीक है, उसके बाद बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को बताते हैं कि देखिए जो पार्ट रखे गए हैं इनको हम क्या करते हैं कि आइकॉन या इमेज कहते हैं, आइकॉन या इमेज कहते हैं। डेस्कटॉप पे रखे गए छोटे छोटे सभी पार्टों को आइकॉन या इमेज कहते हैं। आइकॉन या इमेज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इमेजेस भी रखे होते हैं, कुछ आइकॉन भी रखे होते हैं। आइकॉन हमारे ये देखिए यूजर फाइल है, माई कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, ये सब आइकॉन है, बाकी ये सब सॉफ्टवेयर हमारे हैं। ठीक है, और ये हमारा फोल्डर है, कुछ इसमें रखा गया है, ये यहाँ पे इमेज है। ऐसे आप भी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं डेस्कटॉप पे, सॉन्ग रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, आपका जो भी इच्छा है आप रखे रहते हैं डेस्कटॉप पे। कुछ लोग होते हैं कि डेस्कटॉप पूरा खाली किए रहते हैं, तो उससे फायदा भी होता है, क्या फायदा होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यूजर फाइल के बारे में जानते हैं। अब ये यूजर फाइल क्या है, यूजर फाइल वो होता है कंप्यूटर का जहां से हम कुछ भी डाउनलोड करते हैं नेट के द्वारा या फिर ईमेल आईडी के द्वारा या फिर कुछ कन्वर्ट करते हैं या फिर कुछ कट करते हैं, ठीक, किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो वो हमारा कहा जाता है इस यूजर फाइल में जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम जो भी डाउनलोडिंग करते हैं नेट के द्वारा किसी भी ब्राउजर से, क्रोम ब्राउजर, मोजिला फैक्स है, ठीक है, कुछ भी डाउनलोड करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर से कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो वो हमारा यूजर फाइल में ही जाता है, इसी में जाता है। ठीक है, या फिर ईमेल आया है या फिर मेल बॉक्स से हम कुछ डाउनलोडिंग करते हैं या फिर फोटो डाउनलोडिंग करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आया है, कोई फाइल बना के सेव करते हैं, तो सब इसी में जाता है। या तो फिर अगर अपने सेव करने के एरिया को ना चुने, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई किसी सॉफ्टवेयर में कोई वर्क कर रहे हैं तो अगर हम कंट्रोल एस करके उसको सेव कर रहे हैं एक विंडो खुलता है, उस विंडो में से हमें चुनना पड़ता है कि हम उस फाइल को कहाँ रखना चाहते हैं। अगर वो हम एरिया नहीं चुनते हैं और ऐसे ही डायरेक्टली सेव कर देते हैं तो हमारा इसी में जाता है, किस में जाता है, इसी में जाता है, आपका ये जो यूजर फाइल है इसी में चला जाता है। अगर हम लोकेशन की सेव करने की एरिया को चुन लेते हैं, ये तो हम अपने पसंदीदा के अनुसार उसको कहीं सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे, किसी फाइल में, ठीक है, अगर नहीं चुनते तो वो इसी में जाता है, इसी में आपको वो मिल जाएगा। ये आपको बिल्कुल मतलब कि घबराने की जरूरत नहीं कि मैंने जो फाइल सेव किया वो कहाँ होगा, किस जगह होगा, आपको तुरंत इसको खोलना है और जाना है कहाँ पे, बता रहा हूँ मैं। चलिए इसको हम ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो जब ये ओपन हो जाएगा तो देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाए हैं और कंट्रोल एस करके सेव किए हैं और सेव करने कर दिए हैं, लोकेशन नहीं चुने हैं, मतलब कि जगह नहीं चुने हैं सेव करने की, कि फाइल हम कहाँ सेव करें किए हैं, ठीक है, भूल गए हैं, तो वो फाइल आपकी जाती है डॉक्यूमेंट में, किस में जाती है, डॉक्यूमेंट में। ये जो लिखा है माई डॉक्यूमेंट, सारी फाइल आपकी माई डॉक्यूमेंट में जाती है जब आप सॉफ्टवेयर पर काम करते समय कोई भी जगह नहीं चुनते हैं और उसको डायरेक्टली सेव कर देते हैं तो। ठीक है, और उसके बाद नेट से डाउनलोड की गई फाइल यहाँ पे देखिए आपका मिलता है, कहाँ पे, डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में, इसके अंदर और भी फोल्डर है, देखिए यहाँ पे दिया कंप्लीट डॉक्यूमेंट हिंदी है, ये तो सॉफ्टवेयर के नाम है, म्यूजिक, और यहाँ पे वीडियो भी दिया है, यहाँ पे प्रोग्राम भी दिया है। तो ये वीडियो, अगर कोई फाइल डाउनलोड वीडियो करते तो ये वीडियो में जाता है, प्रोग्राम कोई मतलब कोई सॉफ्टवेयर करते
सॉफ्टवेयर में जाता है, न्यू फोल्डर है तो बनाया गया है, और ये म्यूजिक मतलब जो MP3 कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हैं तो ये इसमें जाता है, और कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट में जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए हम नेट से जैसे कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया गया है, इसकी साइज देखिए यहाँ से कितना है, 55.6 MB है ना, 55.6 MB है, तो ये 55.6 MB इसमें कैसे कवर है, क्योंकि ये जो यूजर फाइल होता है ना, ये यूजर जो फाइल होता है ये कंप्यूटर के लोकल डिस्क सी पे निर्भर होता है। किस पे? लोकल डिस्क सी मतलब कि कंप्यूटर का जो लोकल डिस्क सी होता है, जितना स्पेस उसमें रहेगा आप उतना ही क्या कर सकते हैं कि इसमें डाउनलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही इसमें डाउनलोडिंग कर सकते हैं जितना स्पेस है। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको दोबारा ओपन कर रहा हूँ, दोबारा जब ये ओपन हो रहा है मेरा एक फाइल देखिए कंप्यूटर का, इसको मैं कट कर रहा हूँ, दो ओपन हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका लोकल डिस्क क्या है कि 57.5 MB क्या है कि 5 GB क्या है कि फ्री है ना, तो ये 57.5 GB फ्री है। अब उसी सॉफ्टवेयर को मैं डिलीट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, उसी सॉफ्टवेयर को मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ यहाँ से। तो देखिए ये सॉफ्टवेयर कितना है, 55.6 MB डिले है ना, तो ये 55.6 MB उस लोकल डिस्क सी में कवर है। अब मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, राइट क्लिक करूँगा यहाँ से, ठीक है, और क्या करूँगा कि यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा, और डिलीट वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करूँगा तो यहाँ से यस करके क्या कहेगा, ऑप्शन मिलेगा और ये रिसाइकल बिन यहाँ पर बन जाएगा, मतलब कि जो मैं यहाँ से डिलीट करूँगा वो रिसाइकल बिन में जाएगा, कंप्यूटर डेस्कटॉप से कंप्यूटर के अंदर से डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में जाती है, और रिसाइकल बिन से डिलीट की गई फाइल वापस ला सकती है, लाया जा सकता है, तब तक लाया जा सकता है जब तक कि उस रिसाइकल बिन से कोई इंपटी न किया हो, मतलब कि खाली न किया हो। तो मैं इसको यस कर दूंगा, यह फाइल यहाँ से क्या हो जाएगी कि डिलीट हो जाएगी, ठीक है, डिलीट हो गई। अब चलिए हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं और राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि इसको भी इम्पटी कर देते हैं, यहाँ से इम्पटी मतलब खाली कर देते हैं। जब तक खाली नहीं करेंगे तब तक ये उतना ही दिखाएगा, ये जो आपका है ये उतना ही दिखाएगा। जब आप खाली कर देंगे तो जो साइज डिलीट, जितनी साइज आप डिलीट किए, जितनी MB डिलीट किए हैं उतनी MB ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब ये हमारा देखिए ये 62 MB क्या हो रहा है कि फ्री हो रहा है, क्योंकि इसमें और भी कोई फाइल थी जिसको डिलीट किया गया था, ठीक है। तो ये देखिए अब हम यहाँ से इस फाइल पे आते हैं अपने कंप्यूटर पे। अब कंप्यूटर पे आने के बाद राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। अब रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखिए आपको साइज़ तो उतना ही दिख रही है, 57.5 पाँच ही दिख रहा है, लेकिन अभी कुछ टाइम में देखिएगा ये फाइल आपको ये पॉइंट वाला जो पाइप है ये बदला हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो जितनी साइज होती है ये इसी पे निर्भर होती है, ठीक है, रिसाइकल मतलब कि कंप्यूटर के लोकल डिस्क सी पे ही। जितने भी सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग करते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं उसकी कुछ ना कुछ साइज होती है इंस्टॉलेशन के बाद, मतलब वो 20 MB 20 MB 50 MB 100 MB 1 GB का सॉफ्टवेयर होता है तो उसकी जो साइज होती है उसी में जाके क्या होती है क्या नाम है कि कंप्यूटर के लोकल डिस्क सी में ऐड होती है, ठीक है। तो ये आपका यूजर फाइल था कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर का यूजर फाइल यही होता है जहाँ पे हम अपने कुछ भी डाउनलोडिंग करते हैं वो यूजर फाइल में ही जाता है, ठीक है। डाउनलोड किया गया फाइल जिसमें जाता है उसे हम यूजर फाइल कहते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको कट कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर ये जो है हमारा, ये माई कंप्यूटर मतलब कि ये हमारा कंप्यूटर है, इसमें हम वो चीज़ें रखते हैं जो हमें मतलब कि यूज करना है बार बार या फिर आवश्यकता के अनुसार यूज करना है। तो हम लोकल डिस्क को छोड़ करके हम इन सभी पार्टीशनों में क्या करते हैं कि यानी सभी ड्राइवों में क्या करते हैं कि रखते हैं। तो ये आप इतना ड्राइव तभी बना पाएंगे जब आपके पास हार्ड डिस्क काफ़ी बड़ी साइज की हो, ठीक है। जैसे कि 2000 GB के हार्ड डिस्क है तो 2000 GB के हार्ड डिस्क अगर आप लगाएंगे तो कंप्यूटर में केवल एक ही नाम से ये हार्ड डिस्क दिखाई देगी, लोकल डिस्क सी। लेकिन जब फॉर्मेटिंग करेंगे तो इसको आप मतलब क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग करते समय इसको आप बांट देंगे, जब बांटेंगे तो वो DEFGH में बटेगा, ठीक है, DEFGH में बट जाएगा वो D, ठीक है, वो ड्राइव बट जाएगा, क्योंकि 2000 GB की ड्राइव अगर एक ही ड्राइव रहेगी तो उसमें सॉफ्टवेयर डाउन जो इंस्टॉल करेंगे वो भी जाएगा, जो फाइल रखेंगे वो भी जाएगा, तो वो प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि जब फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो भी फाइलें आपकी डिलीट हो जाएगी जो आप इच्छा के अनुसार यूज करना चाहते हैं या फिर जो पर्सनल आप उसमें रखे हुए हैं। तो इसीलिए
लिए हम लोकल डिस्क सी में कुछ नहीं रखते हैं, क्योंकि फॉर्मेटिंग करते समय हम उसको क्या करते हैं कि बचा सकते हैं, जो भी फाइल हमारी यूज करने लायक हो उसको हम बचा सकें, ठीक है। तो इसीलिए उसको पार्टीशन में बांट देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास बटा हुआ है, बी है, फिर ई है, एफ है, ठीक है, मतलब कि डी नहीं, मैंने बी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, एच है, आई है, जे है, के है, इतने फाइल है। अगर मैं ये मेरे पास दो हार्ड डिस्क है, दो हार्ड डिस्क 1000 GB की दो हार्ड डिस्क है, मैंने दोनों को लगाया है और यहाँ पे उसको बांट दिया है अलग अलग पार्टीशनों में, ठीक है। इसको ये माई कंप्यूटर बोलते हैं, जहाँ पे हमने अपने सारे पार्टों को रखते हैं, जो हमें काम की चीज़ें, हमारी जो काम की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब चलिए उसके बाद हम अपने रिसाइकल बिन पर चलते हैं। तो ये रिसाइकल बिन है, इसको बोलते हैं रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन वह होता है जो कंप्यूटर डेस्कटॉप से, कंप्यूटर के अंदर से या फिर हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है, जिसमें जाती है वो हमारा क्या होता है, रिसाइकल बिन होता है। लेकिन मेमोरी कार्ड से या पेन ड्राइव से डिलीट की गई फाइल क्या नाम है कि रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि वो आपका क्या होता है कि आउटपुट, मतलब कि बाहर से लगाया जाता है, वो आपका एक स्टोरेज ही होता है, स्टोरेज मेमोरी होता है वो भी है, लेकिन वो मेमोरी कार्ड से डिलीट की गई फाइल और पेन ड्राइव से, मोबाइल फ़ोन से डिलीट की गई फाइल आपका रिसाइकल बिन में कभी नहीं जाता है, ठीक है। क्योंकि वो एक बाहर से ऊपर लग जाता है, बाहर से डिवाइस हो जाता है वो, तो उसका वो सिस्टम ये रिसाइकल बिन समझ नहीं पाता, इसलिए उसमें नहीं जाता है। लेकिन कंप्यूटर डेस्कटॉप से, कंप्यूटर स्क्रीन से जो भी फाइल डिलीट करेंगे वो रिसाइकल बिन में जाएगा, और रिसाइकल बिन में डिलीट की गई फाइल वापस लाया जा सकता है जब तक कि हम इसको इंपर्टी ना करें, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए लिखा है फ्लोटिंग इल्साद, ये जो इमेज है इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट करेंगे। देखिए जब रिसाइकल बिन में जाने वाली जो फाइल रहेगी वहाँ पे रिसाइकल बिन इस तरीके से बनेगी। अब इसको हम डिलीट कर देंगे तो रिसाइकल बिन आपकी देखिए खाली दिख रही थी, अभी यहाँ पे देखिए ये रिसाइकल बिन भर गई। क्यों? क्योंकि हमने उसको डिलीट किया तो रिसाइकल बिन में फाइल गई। अब इसको राइट डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से डबल क्लिक करके हम इस फाइल को वापस लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से रिस्टोर दिस आइटम लिखा है, रिस्टोर दिस आइटम पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल वहीं पे चली जाएगी जहाँ से हमने उसको डिलीट किया था। या फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद रिस्टोर कर देंगे तो रिस्टोर से भी क्या होगा कि ये फाइल वहीं पे जाके रिस्टोर हो जाएगी जहाँ से हमने इसको क्या किया है कि डिलीट किया था, ठीक है। तो देखिए ये फाइल यहाँ पे रिस्टोर हो रही है, देखिए रिस्टोर हो गई ना, ये देखिए अभी वो फाइल यहाँ पे आ चुकी है, आ गई ना। तो वही बात है कि हम कंप्यूटर डेस्कटॉप से, कंप्यूटर के अंदर से डिलीट की गई फाइल को वापस ला सकते हैं जब तक कि कोई रिसाइकल बिन को इंपर्टी ना करे। अगर कोई रिसाइकल बिन को इंपर्टी कर दिया तो समझ लो कि आप उसको वापस नहीं ला पाओगे, पूरी तरह से डिलीट हो जाता है। और पूरी तरह से डिलीट की गई फाइल को वापस लाने के लिए हमें डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, और डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है तो डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर हमें मिल जाता है, नेट से हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके डिलीट की गई फाइलों को वापस लाता है, डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके डिलीट की गई फाइलों को वापस लाता है, ठीक है, ये आपका है। तो ये तो हमारा हो गया, ये आपका ये आइकॉन के बारे में हमने बता दिया। अब इसके बाद ये जो पट्टी है इसको टास्क बार कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। अब बात करते हैं इस पे सॉफ्टवेयर कैसे लाते हैं। जैसे यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर रखना है, इस पट्टी पे सॉफ्टवेयर रखना है, तो आप इस आइकन को जैसे कि है इसको आप पकड़िए ऐसे, और पकड़ के ला के लेफ्ट बटन के माध्यम से आप इसी पे छोड़ दीजिए, ठीक है, इस पट्टी पे छोड़ दीजिए। देखिए आपके सारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए ये फोटोशॉप है, इस फोटोशॉप को भी रखना चाहते हैं तो आप इसको लेफ्ट बटन दबा के लाइए ऐसे, और यहाँ पे ला के छोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे आप इसको ला के छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये एनी वीडियो कन्वर्टर है, इसको भी ला के आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए ये भी आपका इस पे आ जाएगा, मतलब कि जो भी आप ला के रखना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ से लेफ्ट बटन पकड़िए, दबा के ये पकड़िए, जैसे VLC प्लेयर है इसको लेफ्ट बटन से पकड़ के लाइए ऐसे, तब तक मत छोड़िए जब तक टास्क बार पट्टी पे ना आ जाए। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे ऐसे, ठीक है, तो देखिए ये आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। देखिए शायद नहीं आएगा VLC क्योंकि वो भी एक प्लेयर है इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है, बाकी सारे देखिए यहाँ पे पहले से है इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। और भी आपके पास ये मिस्टर फोटो है, ये भी आप इसको यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है, अपन मतलब कि जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है आप लेफ्ट बटन दबा के इसको यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हटाना है तो आप सब पे राइट क्लिक करिए, यहाँ से देखिए यहाँ पे दिखा है अनपिन दिस प्रोग्राम फॉर
टास्क बार, यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए हट रहा है, राइट क्लिक, अनपिन पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे अनपिन लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे ये आपका देखिए रिमूव होता रहेगा। देखिए ये आपका रिमूव होता रहेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या था, ये कंप्यूटर डेस्कटॉप के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो हमारा लगभग हो गया है 14 मिनट का हो गया है, यानी कि कुल मिला के 15 मिनट का हो गया हमारा वीडियो। सो दोस्तों ये अभी तक का वीडियो यहीं तक है, अब चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको। सो दोस्तों ये वीडियो आपका बस यहीं तक रहेगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी दबाइए। बेल आइकन की घंटी दबाने से आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे सबसे पहले पहुंचेगा, जिससे आप हमारे हर वीडियो का आनंद ले सकेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।